चल और चल चल, जाने दीजिए, कंटिन्यू करते हैं इसको, हम बोलेंगे इसको बंद देखो, जाने दे रही, हाँ पागल है, रोहित अरे शेट्टी नहीं कितना सुन खुश सकता हो गया, वो जिंदगी भर नहीं उसके पीछे जाएगा मेरे को रोहित ने बोला इसलिए मैं रुकिया, मार मैं तेरे को फोड़ डालता हूँ आज घर जाके बोलेगा रोहित मैं शेट्टी लड़ाई करने वाला था रोहित शेट्टी रोका, खुद गाड़ी उड़ाता है मेरे को रोका वो Welcome to the Bombay journey. Thank you so much. Yeah. How are you? I'm good. Thank you for inviting me. And it's quite a different experience. Yeah. मैं rarely खुद ही चलाता हूँ गाड़ी. हाँ जी. और मैं बैठा हूँ. And... नहीं अभी आते समय आप बोलो जब आपको अच्छा. चलाने का मन करे तो. डिफेंडर है, रेंज रोवर आपके पास है ही. सुंदर सी. ये देखिए हम ना जब चलते रहते हैं ना. हाँ. तो कोई कहानी होती है तो आप बता सकते हो. कुछ नहीं, यही रहता हूँ मैं. हाँ जी. अभी घर से निकले तो ऑब्वियसली जू एंड ये पहले हम लोग ने यहाँ पे अभी बहुत ट्रैफिक हो गई है, हमने बहुत चेस शूट किया है यहाँ पे. क्या बात करो, ये रोड पे, ये रोड पे पहले क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ बंगलोस होते थे. हाँ जी. एक जमाने में हम लोग निकलते थे डीएन नगर, वहां पर एक होटल हुआ करता था, आरती होटल कहते थे उसको. ओके. एंड अभी इंडियन ऑयल का जो सिग्नल है हमारा, और वहां से लेके यहाँ तक कोई भी सिग्नल नहीं हुआ करता था. ओह हाँ, मतलब उस जू भी जो है हमारा सर्कल था वो. हाँ करेक्ट. ठीक है. और ये ना हमारा स्टॉपिंग पॉइंट हुआ करता था. हाँ जी. पूरी इंडस्ट्री का, जब भी अगर आप सरकारी भंडार वॉज फेमस. हाँ. कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है तो ये जो रोड दिख रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ बंगलोज थे. करेक्ट. तो सारी, पुष्पा पारसी पार्क वाले हाँ, तो यहाँ पर सब जो सरकारी भंडार के पास सारी गाड़ियां लग जाती थी, तभी वैन्स वगैरह होती नहीं थी. हाँ, बाहर चेयर लगा के बैठते, बाहर चेयर लगा के बैठते थे. तो हम लोग, और चेस का कैसा होता था, तब वॉकी का भी जमाना नहीं था. हाँ. तो ये होता था कि डीएन नगर से सब गाड़ियां निकली जो भी है जी, आके यहाँ तक रुकना बस. तो और कैमरे लगे रहते थे कभी डीएन नगर में, जो पुरानी बिल्डिंग हुआ करते थे, जो अभी अपर जू कहलाता है उस पे कैमरे, नीचे कैमरे, ऐसे 8-10 कैमरे लग जाते थे. और एक पहले बाइक निकलती थी, तो बाइक निकली मतलब सिग्नल लेके कैमरा ऑन कर दो, क्योंकि वॉकी टॉकी तो थे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही है. तो वो बाइक निकलती थी और फिर पीछे से हम लोग निकलते थे, और इतनी ट्रैफिक कम होती थी कि हम ओरिजिनल ट्रैफिक में हम लोग ने शूट कर दिया, शूट किया पहले. तो व्हाइट जिप्सी लेके ये करके निकल जाती थी, यहाँ आके फिर स्टॉप करते थे. ये आप वो जमाने की बात करो जब आप एडी करते थे, या जब आप एडी और स्टंट्स जब हम लोग काम मैं करता था, तब की बात है. मतलब अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, 92, 93, 91 उस जमाने की बात है. तब कभी सोचा नहीं था कि जहाँ रुक रहे हाँ. वहीं घर हो जाएगा. एक जमाने में अपना स्ट्रगल टाइम पैसा था नहीं. करेक्ट. सो टेल मी दिस, आप तो फुल मुंबई का मुलगा है, मतलब आप. यस, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. तो कौन सा एरिया, क्या सीन, क्या लाइफ? मैं पैदा हुआ सांता क्रूज जी, ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट. हाँ. और एक हमारा घर था 14th रोड खार पे. हाँ जी. तो वहां पर भी था, और हमारा एक सांता क्रूज में था. और स्कूलिंग हुई सेंट मेरीज हाई स्कूल कलीना. अच्छा. लेडी ऑफ इजिप्ट करी, और तभी कॉन्वेंट स्कूल मतलब बहुत बड़ी बात होती थी ना. इंग्लिश. और उसके अलावा कुछ होता नहीं था, तो वहीं पढ़ाई की. तो कैसा था, क्या कुछ स्कूल का कहानी बताओ ना. स्कूल में मेरी जो फिल्में देख के तो पता ही चल गया होगा कि मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था. नहीं भाई, मेरे को तो ऑनेस्टली पूछना था, वो मैं आगे आगे पूछेगा फिजिक्स मैथ्स का तारा टंडा. अरे बाप रे, फिजिक्स. सो लेट्स टेक 2 मिनट्स फॉर फिजिक्स. ओह गॉड. हां जी. तो स्कूल में आई वाज नॉट दैट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन अब जब मैं स्कूल लाइफ के बारे में सोचता हूँ ना, तो वो जो एक 10 साल जो स्कूल के रहे, ऑब्वियसली जब शुरुआत होती तो इतनी कुछ यादें रहती नहीं है, आप छोटे होते हैं. एंड देन ग्रेजुअली जो सबसे ज्यादा कुछ कोई चीज अगर मैं मिस करता हूँ तो वो है अपनी स्कूल लाइफ. जमाना भी अलग था यार, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है. हम लोग तो सब मतलब आई एम 47 नाउ, 70s का मॉडल है मैं जी. मेरा बेटा है, मैं वही बोल रहा यार, बड़े लकी हो तुम लोग यार. हाँ? कुछ फेल वेल के चक्कर ही नहीं, हम तो रिपीट भी हो चुके. मैं एक बार रिपीट भी हुआ क्लास में, एक साल वो वेस्ट. कौन सा क्लास था ये? 6th स्टैंडर्ड. 6th स्टैंडर्ड, चलो ठीक है, 6th स्टैंडर्ड उतना खास नहीं गिरते. करेक्ट. वो हमारा जो एरिया था ना कलीना. हाँ जी. बहुत मतलब आज भी आप कलीना के एक रोड से निकल के पीछे की तरफ बीकेसी लग जाता है. यस, इट्स बिकम वेरी पॉपुलर. करेक्ट. कलीना यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. हाँ जी.
और हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे, सुबह जॉगिंग करने जाया था, और वो बहुत ही ना ओल्ड मतलब बैंड्रा जैसे, बैंड्रा की कुछ गलियां आज भी हैं, सो कलीना वाज अ रेप्लिका ऑफ बैंड्रा। अब तो मतलब जैसे नवंबर में हम शूट कर रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में ही कंपलसरी स्वेटर हुआ करता था, करेक्ट, ठंड होती थी शाम के वक्त, अर्ली मॉर्निंग यू नो, अब नहीं होती है। अभी तो क्या ही है, 30 degrees है बाहर। हाँ वही ना, मतलब तो बहुत कुछ बदल गया, करेक्ट। तब का मुंबई और अब का मतलब, तब का बॉम्बे अब का मुंबई अगर मैं कहूँ तो बहुत फर्क है। जू बीच की कोई कहानी? जू बीच में मैं घूम गया था यार एक बार। क्या बात, हाईलाइट है इतने बड़े बीच पे? हाँ मैं छोटा था मम्मी इन लोगों के साथ, मतलब तभी क्या था यार मुंबई वालों के लिए, चौपाटी गए, जू गए, बेस्ट, या सिंगल स्क्रीन में पिक्चर देख ली, करेक्ट, और तो कोई एंटरटेनमेंट का जरिया था नहीं जी। तो मम्मी के साथ, सिस्टर्स के साथ जू बीच पर आया और थोड़ा मैं आगे निकल गया पानी की तरफ, तो मुझे पता है मॉम बैठी, मॉम ने भी देखा कि मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ उस तरफ। हाँ जी। और पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी भीड़ आई, कुछ ऐसा हुआ कि मैं मतलब डाइवर्जन हो गया सीधे जाने के, ऐसा चलने लगा कि हाँ मेरी माँ उस तरफ है। हाँ। चलते चलते ग्रेजुअली देखा तो गायब, आई गॉट पैनिक्ड, मेरे को आज भी याद है, मतलब मेरी माँ को भी याद है वो किस्सा। एंड चलते 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 मैं इतना आगे निकल गया, मैं सिल्वर बीच की तरफ निकल गया, अरे वाह, जो मतलब जो मुंबई वाले नहीं है समझ लीजिए आप, 1.5 kilometers दूर। तो फिर उधर एक ग्रुप फुटबॉल खेल रहा, अपने बीच में खेलते रहते ना लड़के लोग जी, फुटबॉल खेल रहे थे, वो देखे मैं रो रहा हूँ अकेला, लड़के बच्चा चल रहा, तो वो सब जमा हुए, क्या हुआ मेरे को पूछे, तो मैं बोला यार मैं घूम गया हूँ और मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, तो बोला तू टेंशन नहीं ना, होगी तो आएंगी, तो हमारे साथ रहे। तो पूरी फुटबॉल गैंग ने वो फुटबॉल छोड़ दिया और वो मेरे साथ बेचारे खड़े हो गए थोड़ी देर में, एक्चुअली हुआ ही वो कि मॉम आ गई बेचारी रोते हुए। फिर बाद में वो सिल्वर बीच ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग वहीं करते थे, तभी ऐसा होता नहीं था, जो अपने गाउटी जिम होते वही होते थे। अब होता ये था कि हमारी ट्रेनिंग में वो रहता था कि आपको दीवार पलटी बोलते हैं, मतलब वो ऐसे हाथ रख के समोसॉल्ट मारना, जमीन पे गिरना, फ्लिप करना, तो तभी क्रैश मैट भी नहीं आया था, गद्दे होते थे। तो हमारे लिए बेस्ट ये था कि अर्ली मॉर्निंग जाकर बीच पर करो, तो सैंड रहती थी, सही बात है, तो पूरा 2.5 to 3 hours हमारा वो सैंड पे निकल जाता था सिल्वर बीच पे। दो क्वेश्चन है, यू आल्सो कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स। हाँ यार मतलब फादर का प्रोफेशन और मदर का प्रोफेशन आपके लिए एज बचपन में क्या इम्पैक्ट लाता था? बहुत जरूरी, मतलब वही था, मतलब कभी होता है ना कि कोई मेरे को पूछता है कि आप बचपन में क्या सोचा था क्या बनेंगे, तो वो दिन पता ही नहीं, हमेशा से यही था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना, एक्शन डायरेक्टर ही बनना बस। मॉम स्टंट आर्टिस्ट थी जी, डैड अपने जमाने के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे, यस, सो हमेशा से यही रहा, अपब्रिंगिंग में भी वही रहा, और दूसरा कभी सोचा नहीं कि पायलट बनना है या ये बनना है वो बनना है, इंजीनियर तो बन ही नहीं सकता था, आज भी देख लो मेरा फिजिक्स कैसा है तो ये कैसा लगता है आपको? अरे सूर्यवंशी का होर्डिंग आई वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द लाइन दैट इज ऑन द टॉप ऑफ इट दैट ब्रिंग योर फैमिली इज बैक टू द थिएटर्स। हाँ ये जो आपने फीता कटिंग किया है ना उद्घाटन इसके लिए थैंक यू। हाँ मतलब हो गया यार, ऊपर वालों ने इज्जत रख ली, ऑडियंस ने भी इज्जत रख ली, इतना प्यार दिया। पहले तो थर्सडे नाइट तक बेटिंग चल रहा था इंडस्ट्री में बहुत लोगों पर। क्या बात कर रहे हो, अपने को पता चल जाता ना, अपने को बोलता नहीं है डर के। हाँ। तो बट मालूम था कि मतलब बहुत नहीं होगा रिलीज, नहीं नहीं रिलीज होगा, ये पागल हो गए, थिएटर में कोई नहीं आएगा ऐसा क्यों? डर के मारे, डर के मारे वो तो बनता भी। मेरा ये था कि नहीं यार, क्योंकि एक बेसिक लाइफ शुरू हो गई थी ना। हाँ 50% पे थिएटर चल रहे हैं। हाँ 50% पे आज भी चल रहे, टचवुड इतना बिजनेस हो रहा है 50% पे हो रहा है, बट हो रहा है, तो यार ऊपर वाले ने और ऑडियंस ने इज्जत रख ली अपनी। Was this planned? Were you like ready to go into like a universe of the cop universe? सिम्बा क्या वक्त हो गया? सिंगम जब शुरू की थी तो तब यही था कि वो एक एक्शन पिक्चर में बना रहा था अजय के साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब हमने जमीन बनाई थी वो इतनी चली नहीं थी, फिर हमने गोलमाल बनाई वो भी एक्सीडेंटली बनी और वो हिट हो गई, फिर ये हुआ कि यार ये सही है यही करते हैं, गोलमाल रिटर्न बनी, फिर गोलमाल 3 बनी, ऑल द बेस्ट बनी, फिर असल में 4 फिल्में हो गई और बोल बच्चन बन रही थी, उसके बाद शाहरुख के साथ चेन्नई बन रही थी, सिंगम का कोई अता पता ही नहीं था, करेक्ट, बट हुआ ये कि यार हमेशा से दिल में था एक बार ट्राई मारते हैं ना, ऐसा नहीं लगे कि ऑडियंस को कि हम लोग बस मतलब कॉमेडी में घुस गए और चीट कर रहे हैं ना, कि मतलब अपने को ये चल रहा है तो यही चलाते।
और हमेशा से मन में था, और एक्सीडेंटली बोल बच्चन की सिटिंग थी वो कैंसिल हुई एक दिन. मेरे वन ऑफ द राइटर्स की बेटी की तबियत खराब थी, तो एक उसके पहले रिलायंस के साथ एक मीटिंग हुई थी मेरी, और तो उन्होंने बोला कि आप, हम चाहते हैं हमारे साथ फिल्म करो. तो मैं बोला कि मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ क्योंकि मैं बोल बच्चन कर रहा हूँ, फिर चेन्नई एक्सप्रेस है तो आई डोंट हैव टाइम. तो बोला ठीक है, जब भी होगा प्लीज लेट अस नो. जरा जाते जाते देखिए कि हमने ये पिक्चर हमने प्रोड्यूस किए सिंगम, आप देखना जरा कब. तो मैंने रख दी डीवीडी. हाँ, वही गोलमाल 3 रिलीज हो गई थी. गोलमाल 3 सुबह हम लोग बोल बच्चन की सिटिंग करते थे, शाम को गोलमाल 3 का प्रमोशन चल रहा था. तब मीटिंग कैंसिल हो गई और शाम को प्रमोशन. तो मैंने बोला यार अभी तैयार बैठा हूँ क्या करूँ, तो ये डीवीडी थी पिक्चर देखी. मतलब ये वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया और मतलब अपने हिंदी ऑडियंस के हिसाब से जमेगा और काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो मैं शाम को अजय सर के पास गया, हम लोग प्रमोशन कर रहे थे. मैं बोला कि ऐसे एक पिक्चर देखा, चार सीन बहुत अच्छे, बाकी अपने को बदलना है, पूरा पिक्चर चेंज करना पड़ेगा, सब नया एंगल लाना पड़ेगा. तो बोले हाँ चल करते, तेरा अगर वो उतना कन्विक्शन अजय सर में हमेशा से रहा, तेरे को ठीक लगता है तो अपन करते. ठीक है करते चलो. हमने कभी करेगा तू, लेकिन तू तो बोल बच्चे ने फिर चेन्नई में, अभी बीच में आपका भी टाइम है फ्री, मैं भी फ्री है, तो उसमें कर लेते. बोला आप पंप करना शुरू कर दो, ऑब्वियसली बॉडी तो सभी की अच्छी है. या थोड़ा ना मेरे को ऐसा बल्क अप बीफ्ड अप पहलवान बॉडी चाहिए. तो बोले ठीक है मैं चालू करता हूँ, लेकिन तू रेडी हो जाएगा क्या. मैं बोला मैं हो जाऊंगा. वो लंदन गए, हम लोगों ने ड्राफ्ट अपना लिखना चालू किया. अब ये हो गया कि मार्च में शुरू करना है, जून में जुलाई में रिलीज करना है, चार महीने में रिलीज. तो वापस से सब चालू हो गए, पागल हो गए, नहीं होगा. मैं क्रेडिट जाता है मेरी टीम को. मैं बोला यार ये चार महीने में रिलीज करना है क्योंकि अपनी बोल बच्चन शुरू हो रही है. और 4 मार्च को शूटिंग चालू हुई फिल्म की. अजय सर ने उन्होंने जयकांत सिकरे के साथ, प्रकाश राज के साथ शूटिंग चालू की. 6 को अजय सर गोवा पहुंचे, कुछ पता नहीं है, कन्विक्शन पे खाली बॉडी बना के, दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करके, मूंछ ऑलरेडी वो बड़े कर रहे थे, हेयर कट किया क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म हुआ. रात को 10 बजे सब रेडी हुआ लोग, 10:30 बजे हमने नरेशन शुरू किया. 2 बजे रात को नरेशन चालू हुआ, खत्म हुआ. आदमी को तब मालूम पड़ा कि मैं सुबह 6:30 बजे क्या शूटिंग करने वाला हूँ. सुबह 7 बजे सिंगम शुरू उनके साथ, मतलब बाकी हमने तो शुरू कर दिया था. और 4 महीना और 3 या 4 दिन एग्जैक्टली पिक्चर रिलीज हो गई. पिक्चर फर्स्ट डे अच्छी गई, मतलब ठीक ठाक गई, प्रोमो वेल रिसीव्ड था. एक ना बिग बॉस आया था संजय दत्त और सलमान खान वाला, करेक्ट. तो उसका प्रोमो मैंने शूट किया था. ओके. फ्राइडे रिलीज हुई पिक्चर, फ्राइडे को ही सेम उनका संजय दत्त और सलमान खान का डेट आ गया, 2 दिन का साथ, फ्राइडे और सैटरडे शूटिंग. ओके. तो मैंने चलो करते, हम लोग बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं. शाम को 5-6 बजे से ना फोन आना चालू हुआ, अरे क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है, सैटरडे संडे वो दिन है और आज का दिन है, सिंगम कल्ट हो गए, करेक्ट. तो वो चांस लिया था हम लोगों ने, जैसे गोलमाल 1 का चांस लिया था. अजय देवगन के साथ ऑडियंसेस को आई एम नॉट श्योर पता है कि नहीं, बट आप बहुत पहले से काम कर रहे हो. मेरे को और अजय सर को अभी दिसंबर में आई थिंक हम लोगों ने चालू किया था साथ में करना. 30 साल पूरा होगा, 30 साल ये दिसंबर को. तो आप 17 साल के थे जब भी आप, 17 साल में चालू किया था जब भी आप हमसे मिले रहेंगे. मिले मैं मिलना जुलना तो पहले से होता था. हाँ जी. हाँ. क्योंकि फादर्स वर बहुत स्टंट डायरेक्टर्स. स्टंट डायरेक्टर्स. एंड तो बताइए ना क्या कहानी कुछ. वो मतलब फूल और गार्डन हमने शुरुआत की, कुकू जी थे, वीरू जी थे, फिर मैं वीरू जी के साथ भी काम करता था. तो एक्शन में भी करते थे हम लोग. फिर अजय सर की कंपनी चालू हुई, पहले मैंने कुकू जी के साथ भी किया, अजय सर के साथ भी किया. क्या करते थे आप तभी? स्टंट और असिस्टेंट दोनों. ओके. असिस्टेंट डायरेक्टर भी और स्टंट का भी काम करते, गाड़ी वाड़ी ये वो सब करता था. हाँ, तो मतलब फिक्स्चर्स और सब सब प्रेपरेशन सब अल्टी पल्टी मारना, गाड़ी स्किड करना. हाँ. से लेके डायरेक्शन का काम. पैसे क्या उस जमाने में इतना पैसा नहीं मिलता था. और तभी क्या था ना, मतलब मेहनत बहुत थी. एक हीरो 2-2 पिक्चर कर रहा है, 3-3 पिक्चर कर रहा है, 12-15 घंटा काम कर रहा है. अभी ना एक थोड़ा सा मेरे को लगता है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बात करूंगा मैं, इन जनरल जो मैं सब लोगों को, यंगस्टर्स को देखता हूँ या यंग जनरेशन को देखता हूँ ना, कि प्रॉब्लम किधर आ रही है. मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम ये आ रही है, स्ट्रेस और हार्डवर्क का डिफ्रेंशिएशन नहीं. अगर आप 15-20 घंटा काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो बहुत स्ट्रेस है. नहीं, वो आपकी मेहनत है. स्ट्रेस तो आपको एसी के रूम में बैठ के खाली बैठे बैठे भी हो सकते हैं. करेक्ट. तो तभी हम लोग ना काम बहुत करते थे. करेक्ट. एक दिन में तो मैंने 3 शिफ्ट किए. सुबह वर्सोवा में एक्शन था. हाँ.
फिर दोपहर को जहाँ मेरा घर जहाँ से मेरे को पिक किया आपको, आपने वहाँ पे एक बंगला था सुनीला बंगला करके, ओके, उधर शूटिंग की दोपहर को 2 से 10, और नया नया ना रॉयल पॉम चालू हुआ था, 9:30 बजे निकले और बाइक लेके आरिमिल कॉलोनी अंधेरे में जंगल में रॉयल पॉम वहां पे रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक शूटिंग, और फिर घर आए 1 घंटा सोए मलाड में, एवरशेन में रहता था तभी, फिर वापस सुबह वर्षो, ऐसा 10-12 दिन तक करते थे। ये गोवा के साथ क्या प्यार है आपका? गोवा गोलमाल से चालू हुआ, गोलमाल वन सब ना मेरा लाइफ में एक्सीडेंट ही हुए, क्या बात, और मैंने हमेशा वो करते चला गया। यू चांस्ड अपॉन गोवा एवरी टाइम, ओके, हम लोग पिक्चर कर रहे गोलमाल, ओके, हाँ, तो मैंने बोला कि वो जो बुजुर्ग का रोल है जो ब्लाइंड बुजुर्ग है, मतलब मुझे परेश भाई चाहिए, परेश भाई को सुना है, परेश भाई, परेश रावल साहब, जी जी, परेश भाई बोला रोल बहुत अच्छी मैं करता हूँ, अब मैं तभी नया नया एक ही वन फिल्म ओल्ड, तो बोले नहीं मैं करता हूँ, मैं करूंगा, मेरे को पसंद है, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो ना एक और प्रियन सर पिक्चर बना रहे थे शाहिद के साथ, चुप चुप के करेक्ट, अब उसकी शूटिंग गोवा में थी, बोले मैं उधर हूँ, बीच बीच में गैप है, लेकिन मैं आऊंगा जाऊंगा तो मेरे को बहुत त्रास हो जाएगा, तो मैंने चलो मैं गोवा आ जाता हूँ। फिर हमने घर ढूंढा, 4-5 दिन तक रेकी चलती रही, 1 हफ्ता रेकी चली गई, 2 घर चाहिए थे, एक रिम्मी का घर, एक इनका घर, परेश भाई का घर, करते 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 हमको गोवा में घर मिला, वरना हम लोग बॉम्बे में सेट लगाने का सोच रहे थे, 2 घर का सब कुछ गोवा, वहां एक्सीडेंटली शिफ्ट हुआ, वो दिन है आज का दिन है, मतलब मैं जाते ही जाता हूँ गोवा। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, हम 2 दिन पहले ये भाई हमारे डीओपी और हम गोवा में, स्पेसिफिक रेफरेंस वॉज भाई रोहित शेट्टी कहाँ शूट किए, मीरा मार चलो, वहाँ पे वो सिंगम वो भी मिलेगा, सिंगम कोला, सिंगम सोडा, अरे क्या बात, मेरी फोटो वोटो लगी हुई है एक बार हाईलाइट हुआ हम लोग को, पता नहीं मैं सिंगम रिटर्न्स या चेन्नई एक्सप्रेस कोई तो भी शूट कर रहे थे, तो जैसे होता ना कि ये यहाँ से जाना है, चेस कर रहे थे, तो ये रोड से वो रोड के एंड तक जाना है, तो शॉट रेडी हो गया, तो एक टेक हुआ, तो पीछे हम लोग फॉलो कर रहे थे, तो रिटेक हुआ, तो पीछे मैं ना वहीं उतर गया, ओके, तो सिक्योरिटी और वो सब उस तरफ रह गई और गाड़ी भी मार गई, तो मैंने वॉकी बोला कोई बात नहीं तुम लोग टेक करते हो, मैं यहीं रुकता हूँ, ओके, तो आई वाज अलोन देयर और एक कोई बंदा मेरे साथ था, तो एक काइनेटिक पे एक बंदा आया और मेरे को देख के बोलता है अरे किधर है, बहुत दिन के बाद दिखा तो उन लोग आधे लोग को लगता था मैं गोवा में ही रहता हूँ, अरे क्या बात है, मेरे को फिर बोला, और मैंने भी ना उनका दिल रखने का, नहीं नहीं मैं जरा काम से बिजी था, हाँ बहुत दिन के बाद सब ठीक, हाँ सब ठीक, बांद्रा की बातें करेंगे ना फिर, हाँ हाँ बांद्रा महबूब स्टूडियो बांद्रा और फैशन स्ट्रीट, मतलब वो ना आउटिंग होता था जब हम लोग मलाड में रहते थे, उसके पहले मैं दहीसर में रहता था, हाँ जी, तो मतलब और 1 घंटे में दहीसर से भी आज 2.5-3 घंटा लग जाता है टाउन पहुंचने में, तभी एक घंटा मैक्स 45 से 1 घंटा होता था उस जमाने में, इतना ट्रैफिक नहीं था, क्या बाइक पे आने का, बाइक पे, कौन सी बाइक, मेरे पास पहले शोगन थी, ओके, फिर एक होंडा की सीबीजी आई थी, हाँ वो थी, बड़े टायर थे उसके, बहुत पैसा, सुपर बाइक थी, तो और बांद्रा में ना आने का क्योंकि कन्वेंस, जैसे मैं बोला ना कन्वेंस जमा करते थे हम लोग जी, और उधर वो क्या बोलते उसको, वो शर्ट्स मिलते थे जो अब्रॉड जाते थे रिजेक्ट हो जाते ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी के सिलाई गड़बड़ है, -1 बटन ऊपर नीचे, तो वो बहुत सस्ते में मिलता था, तो 3-4 दुकान, एक हिल रोड पर दुकान थी, एक महबूब के सामने थी, अभी भी मैं शूटिंग करता हूँ ना, हाँ। तो बहुत बार दिल होता है मैं अपने एडीज को पूछता हूँ क्या यार उधर एक दुकान, बोला हम लोग लेते गए ना, मेरे को एक दिन जाने का है वो दुकान में, खाली एज अ मेमोरी, सस्ते में मिलता था मेरे को मालूम, मैं बोला 135 रुपए में शॉर्ट है लाइफ, शॉर्ट होता था 135-160, फिर एक बल्क ऑर्डर देता था, इधर से चूज कर लो, ये 4 शर्ट है तो ये मैं तुमको 350-400 रुपए में 500 रुपए में दे दूंगा, कैसा होता था, तो मतलब वो पूरा थैली भर के लाओ, वो बहुत चलता था कभी किसी में ऐसा रफू करना पड़ता था, कोई बटन ना के ऊपर नीचे हो जाता था, हाँ जी हाँ, थोड़ा बहुत तो अपन लोग स्टाइल कर लेते थे, 2 बटन ऐसा पीछे करके मस्त लगता है सीधेर से ऐसा थोड़ा पटा था शर्ट आधा इन आधा आउट, ऐसा पब्लिक को लगता था स्टाइल मर रहे, हम लोग अपनी गरीबी छुपाते थे लोकल में किया आप ट्रेवल? मैं भाई मैं तो तुम लोग ने नहीं किया रहेगा उतना किया है 5th स्टैंडर्ड से, हाँ जी हाँ 5th डे में हम लोग का इधर खार में और सांताक्रूज में घर था, फिर डैडी का डेथ हो गया तो घर वर सब चला गया, ठीक है, तो फिर मम्मी हम लोग को दहीसर ले गई, मेरी नानी का घर था दहीसर, मेरे दोस्त आज भी दहीसर के ये सब जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, अभी सूर्यवंशी देखने आए थे, हाँ तो वही आज भी मेरे फ्रेंड्स, तो
मैं सांता को तो मम्मी बोली कि स्कूल ही उस तरफ इतना अच्छा नहीं था, क्या करेंगे, तो मैं बोला मैं आएगा जाएगा। अब दहीसर में विरार लोकल में ना दहीसर इस तरफ 547 से सुबह का ट्रेन पकड़ता था मैं, और दहीसर से आने के लिए अपने को स्लो ट्रेन पकड़ना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं सांता क्रूज जाने के लिए। करेक्ट, क्योंकि विरार लोकल बोरीवली से फिर फास्ट हो जाती है, अंधेरी बांद्रा ऐसा रुकती है। तो कभी बोरीवली उतर के स्लो पकड़ना है ना, तो बोरीवली उस तरफ था, इधर से उधर क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो, अरे बाप रे, जो झोल मेरे को करना पड़ता था। ये है कॉमन मुंबई की जिंदगी। इसमें पब्लिक को बहुत घाई है। और जाने दीजिए, कंटिन्यू करते इसको हम बोलेंगे, जाने दे रे। हाँ पागल रोहित ने बोला इसलिए मैं रुकिया, मारा तेरे को फोड़ डालता हूँ। आज घर जाके बोलेगा रोहित चिट्ठी, रोहित चिट्ठी रोका, खुद गाड़ी उड़ाता मेरे को रोका वो। इधर तो होती थी वो दुकान, ये जो है ना विजन, अभी भी है फैसिनेशन तो अभी भी है। कपड़ा मिलता है, सस्ता मिलता था उस जमाने में, बहुत खरीदा। अभी बेचारे को मालूम नहीं रहेगा कि हमने वही बंदा जो आता था। कार्स एंड बाइक का फैसिनेशन आपको बचपन से रहा है? बचपन से, घर पे गाड़ियां थी ना, मतलब पहले जब डैडी थे तो थी गाड़ियां अपने को, बस तो मेरे को गाड़ी का शौक बचपन से रहा है। आप मेरे को बताओ तो ये राइट खिलौने का ले लो। हाँ ये राइट, पाजिल भी ले जाएगा ये रोड। अरे भाई मैं बोला ना, मेरे को कोई भी गली पूछेगा मैं बता देगा। मेरे ड्राइवर लोग कभी कभी परेशान रहते हैं, साहब को इतने कैसे मालूम, चोर तो नहीं था कहीं साहब पहले। हम लोग का जीप था, डैड वो 63 ना, तो और तभी फियट आती थी खाली, या इम्पोर्टेड कार तो वो फिट नहीं होते थे, तो जीप थी हम लोग महिंद्रा की, ग्रीन कलर की। वाह, तो तभी नया नया आया था महिंद्रा के। और मेरे मालूम है एक ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तभी नहीं नहीं बहुत रेयरली दिखती थी ना, मजडा या किसी का एसयूवी था, पता नहीं किसका था, मजडा था पता नहीं, याद नहीं। तो मैंने देखा अच्छा गियर में डालो ये करो चलती है, मैं छोटा, मैं 6-7 साल का रहेगा, डैड सो रहे थे, मैंने चुपचाप चाबी ली, गाड़ी स्टार्ट कर दी और डाल दिया, वो मेरे को डी दिख रहा था और दे दिया एक्सीलेटर और चली गई गाड़ी कंट्रोल के बाहर। मेरे छोटा बच्चा इतना बड़ा ऐसे भी सीधा निकल गए, गेट तोड़ के आगे रोड क्रॉस करके नाले के पास जाके खड़ा, कैसा टेढ़ी हो गई, पहला स्टंट लाइफ का। अरे बाप, और सब उधर चिल्लम चिल्ली हो गया, अरे शेट्टी के बेटे ने गाड़ी डाल दिया, उधर शेट्टी के बेटे डैड आए उतरे, बहुत भड़के कुछ बोले नहीं, जेंटल दैट वे दिखते ऐसे थे। बस तो वो पहला मेरा गाड़ी का स्टंट और आज तक वही चल रहा है 40 साल बाद भी। नहीं मैं ऑडियंसेस के लिए काफी कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। डर लगता है साहब हमको एडीज को भी ना, जब स्टंट्स होते हैं पब्लिक को क्या है ना, एक कॉमेंट्री देनी होती है, तो वो दे देती है। सही बात, जो जो उसका प्रेपरेशन जाता है, जो उसकी मेहनत जाती है, एक स्टंट करने से पहले आप कितना प्लानिंग करते हो जरा बताओ ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर क्या होता है ना, लोगों को बोलोगे यार हम लोगों ने इतना मेहनत किया, तो बाकी लोग बहुत इज्जत देते हैं, कुछ निकलते 100 में से 1 तो क्यों किया। अरे सही बात ऐसा तो, बट आप बताइए जैसे कोई एक अभी एक गाड़ी है, जैसे अपनी ये गाड़ी है, कोई भी गाड़ी आगे डिफेंडर, चलो डिफेंडर मतलब इसको मतलब अगर स्टंट करना है दो, इट इज लाइक अ वेरी ग्रेट कार और सब सेफ्टी वाइज रेंज रोवर मेरे पास बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। बट जैसे अभी स्टंट करना है, पल्टी करना है, तो मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते। पहले आप गाड़ी खरीदते हैं, फिर आप केजिंग करते हैं, केजिंग मतलब एक अलग से नीचे से लेके ऊपर तक, ये ऐसा ऊपर से ऐसा पूरा पाइपिंग आता है, फुल पाइपिंग आ गया जो ऑडियंस को दिखता नहीं, तो वो एक अलग केजिंग होता है, वो पाइप्स पूरा वेल्डिंग होता है, दो ऑलमोस्ट लाइक अ डबल चेसी, डबल चेसी लेकिन ऊपर से भी, ऊपर केज बोलते हैं उसको, वो होता है कि गाड़ी पिचके नहीं जब पलटे तो, और ड्राइवर सेफ है, फिर जैसे ड्राइवर है तो उसके ऊपर एक अलग से और एक लेयर आता है। अरे वाह, वो फिर जाके ड्राइवर का सेफ्टी के लिए सीट निकाल के पीछे करके एकदम, ताकि वो स्टेयरिंग से दूर रहे। फिर पेट्रोल या डीजल कार है तो एकदम मिनिमल हो, ताकि अगर पलटे स्पार्क हो तो वो टैंक में आग नहीं पकड़े। इसलिए कई बार ना मैं जब जा रहा होता तो बच्चे लोग बाइक पे इम्प्रेस करने के लिए दे डू स्टंट, या कई बार सीलिंग पे एक दो बार मेरे साथ हुआ है यार, मतलब एक तो वैसी ही सीलिंग पे या कहीं पे अपने को फास्ट नहीं चलाना चाहिए। सही बात है, तो देर जब पर्पसली आके ना ऐसा आगे जाते हैं और फिर मैं स्लो हो जाता हूँ, स्लो हो जाता था, फिर वो ऐसा थम्स अप दिखाएंगे दो बार और फिर बुलाएंगे कि चलो, मेरा ये बेटा मेरा काम है, ये तुम इसे क्या करवा रहे हो, मतलब मैं तो मेरे को कुछ नहीं, तेरे को कुछ नहीं हो जाए। करेक्ट, तो वो सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी आप देखते हो उसके पीछे प्रेप जाता है उसके, और सब ट्रेंड है ना हम लोग नॉर्मल, और नॉर्मल लाइफ में थोड़ी ऐसे झुक 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 करते, और वहां पर जो ये प्रेप के अलावा भी लोग खड़े रहते हैं साइड में, नहीं लोग रहते हैं
फायर ब्रिगेड रहती है, एम्बुलेंसेस रहती है, और गॉड फॉरबिड कुछ हो, नॉर्मल नहीं होता, रोड चेक किया जाता है, कैमरा चेक किया जाता है कि कितनी दूरी पर है, सेफ्टी क्या है, क्या स्पीड पे आ रहा है, रैम किधर है, एक जजमेंट होता है कि ये स्पीड पे आएगा तो इधर तक जाएगा, ये स्पीड पे आएगा, ड्राइवर के साथ एक वो रहता है हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है कि ये इस, मतलब इतना साल हो गया करते करते ना कि भाई तू गलियों में भी हमने गाड़ी स्किड की और पलटी की है, बाहर भी की है, तो रनिंग कैनन की है, तो ये होता है कि भाई ये स्पीड पे जाएगा तो ये स्पीड पे, ये यहाँ से पिकअप लेके ये 80 पे जाएगा तो गाड़ी कहाँ तक जाएगी, 60 पे जाएगा तो कहाँ तक जाएगी, कितना सेफ। रनिंग कैनन बोले तो, रनिंग कैनन मतलब आप एक होता है कि हम रैंप लगाते हैं और गाड़ी पलटती है जी, एक फिर कुछ सालों पहले एक नया सिस्टम आया, मतलब ये तो काफी टाइम हो गया, अंदर गैस के साथ और वो कैनन के साथ बंदा रहता है और उसमें गाड़ी में इंजन भी रहती है, और आप एक एक लेवल पर एक स्पीड पर जा रहे हो, देन वो ड्राइवर जब कैनन करता है, प्रेस करता है बटन, तो गाड़ी रनिंग में ही 60-70 या 80 की स्पीड में फ्लिप लेती है, अंदर ड्राइवर रहते है, तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसको रनिंग कैनन बोलते हैं। बोलने की बात है कि फिजिक्स मैथ्स में आप खास नहीं थे, बट पीएचडी तो कर ही लियो आप इस तरीके के काम। हाँ, लेकिन ये अपना वो है दाल रोटी है, रोड साइड वाला पीएचडी है हमारा, इसको इसको कोई महत्व नहीं देते लोग। ये गाड़ी को पलटाना रहेगा तो कितनी स्पीड पे लेके जाना रहेगा और कितना रैंप लगाओ? ये गाड़ी को पलटाना, ये बहुत हेवी गाड़ी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दूसरा ऐसे नहीं पलटा सकते, वैसे ही मतलब स्टंट, वैसे तो पूरी सेफ है गाड़ी, बट जो हम करने जा रहे हैं वो आम आदमी तो नहीं करता, तो पहले इसको पूरी पाइपिंग करना पड़ेगा इस गाड़ी को, उसके मतलब ये गाड़ी पलटाने के लिए कम से कम ये गाड़ी हमारे पास 4 दिन पहले से, तब जाके ये शॉट सेफ शॉट हो पाएगा। कोई खाने की बात करते हैं मुंबई की, इनमें से कोई आपका? इधर का नहीं यार, मेरा एक ही है, मेरा या तो घर का खाना या तो सन एंड सेंट, बहुत मतलब ज्यादा उन लोग पब्लिसाइज नहीं करते जी, बट वन ऑफ द बेस्ट, अगर आपको मुगलाई फूड खाना है या आपको बिरयानी खानी है या आपको फॉर दैट मैटर थाई करी राइस भी खाना है ना, हाउची करके उनका रेस्टोरेंट है, और सन एंड सेंट एक बार सन एंड सेंट का खाना खाना ही चाहिए, यार नो पार्किंग पे भी सूर्यवंशी। ये देख के मजा आता है, बट ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है क्या? 9 पिक्चर अभी कड़क पिक्चर बैक टू बैक डीएल है, नहीं हो गया 15 है, 9 का टैग इसलिए लगता है कि 900 करोड़ हो गई, उसके पहले ऑल द बेस्ट थी, गोलमाल थी, गोलमाल रिटर्न थी, तो अरे मैं आता हूँ रॉड और इनकी बात हो रही थी, संजय भाई की और परेश भाई की, और ये सब जो एक ऑनसॉम्बल है, यू हैव केप्ट द सेम ऑनसॉम्बल, यू मूव्ड ऑन विद द सेम काइंड ऑफ फैमिली, थोड़े इटरेशन होते हैं ऑफकोर्स, ये क्या सीन होता है? ये मेरे को आई नीड टू बी कम्फर्टेबल, या मैं जिन लोगों के साथ, मेरे को ना सेट पे ऐसा खींचपिच नहीं, और आजकल ना थोड़ा सा बोल बचन ज्यादा हो गया, पब्लिक ईगो आ गया ना बहुत ज्यादा, ईगो मतलब काम 1.5 किलो गए, बातें 2 किलो की रहती है आजकल न्यू में, नए लोगों में ना, मतलब यहाँ से राइट, मैं तो सब नया नया गाड़ी सिखाते, भाई 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 मैं कभी नहीं आया, मैं इधर से बहुत घूमा ये रस्तों में, यहाँ से भी आगे से लेके ये सब हिल गया, ये नहीं हिले घर सब छोटे छोटे, हाँ जी हाँ, मेरे को कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। संजय मिश्रा के साथ ना मैंने जमीन में एक छोटा सा रोल था, लोगों को याद नहीं रहेगा, और मैं तभी बोलता था उनको, मैं भैया बोलता हूँ, संजय भैया ना आप, क्योंकि दोस्ती हो गई थी, मतलब भैया आपको ना कॉमेडी करना चाहिए, आप कॉमेडी में बहुत कमाल हो, उन्होंने सत्या किया था उसके पहले, यस, और ये मतलब जो आपका ट्रेन, और फिर हम लोगों ने उनको बबली भाई बना दिया, वो तब का बबली भाई अभी भी है, और फिर वो मेरे हर अभी सर्कस भी हम लोग कर रहे थे उसमें भी बहुत अच्छा रोल है उनका, तो मेरी जितनी कॉमेडी फिल्म रहती है वो रहता, और हाँ लेफ्ट, और एक्टर बड़े कमाल के हैं, मतलब उनकी बाकी भी अगर आप फिल्में देखो ना, और अच्छा उनको ड्यू मिला अपना, योर फिल्म्स आर अ सेलिब्रेशन आल्सो, या एंड टू माय डीआई गाय से इसको आप रोहित शेट्टी बना दो, व्हिच मींस आप सैचुरेशन सॉर्ट कर दो। बहुत लोग अभी ना ग्रेजुअली ऐसे विद एज एंड विद फिल्म्स ना, मतलब जो न्यू आते हैं ना नए, बहुत से ऐसे अभी मेरे को मिलते हैं कि सर वो हमने बोला कि हमने गोलमाल देख के हम वो एडिट कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे जो छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं ना कि हमने आपका वो एक्शन देख के, फिर आपका बैकग्राउंड स्कोर, मेरा बैकग्राउंड स्कोर तो मतलब आया पुलिस और अभी सूर्यवंशी, इतना तो बड़बड़ा के चलता है, तो कई बार ऐसा एक दो बार हुआ भी कि अरे राइट तो हमारे पास है, मैंने बोला नहीं खुली छूट दी मैंने, मतलब करने दो किसी पे भी आप ऑब्जेक्शन मत डालो, ये लोगों का प्यार है, और वो बच्चे हैं, मतलब यू नो कि वीडियो शूट कर रहे हैं अपने, कोई गाड़ी से उतर रहा है, कोई डांस कर रहे हैं, मतलब अभी क्या क्लेम करेंगे, करेक्ट, सो हम लोग कभी मतलब मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि हमारा बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं बच्चे लोग, तो डोंट पुट अ क्लेम ऑन देम एट ऑल, तो इसलिए वो भर के चलता है। और ये सैचुरेशन वाली क्या सीन है आपको जब तक ऐसा? अच्छा हाँ कड़क,
कड़क दिखना बनता है, कड़क कड़क कड़क। अभी जैसे सूर्यवंशी का एक अलग टोन है, उसका एक है टोन है। जैसे गोलमाल के जमाने की बात करें तो हम लोग येलो वॉल करेक्ट एकदम ब्राइट सब रखते थे, अभी थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे, गोलमाल अगेन से हमने चेंज करना शुरू किया। बट आपको जमता है ऐसा बच्चा रंगीन दिखना होता है? मेरा ये यार मतलब उस अभी ब्रांड हो गया है ना इतने सालों में, मतलब आपको पता है कि ऑडियंस को पता है, फैमिलीज को पता है कि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है, तो ये लुक है, इसमें मस्ती होगी, गाने होंगे, टाइम पास, चलो पीपल कम फॉर एंजॉयमेंट। इफ यू सी मैंने सिम्बा से मतलब हम लोग जाते हैं थिएटर्स में नोट करते हैं, मैंने सिम्बा से नोट करना चालू किया, चाहे वो पीवीआर हो चाहे वो आईनॉक्स जैसा, वो ना एक सेलिब्रेशन जैसा जाते हैं, जिनको लड़कियों को जो विसल करना नहीं आता वो विसल लेके जाती है। तो वो मतलब अभी मेरे को वो भी करना पड़ेगा कि भाई विसल भी आने वाला है। पहले ये था कि मल्टीप्लेक्स में ताली नहीं बजती, सीटी नहीं बजती, हम मतलब हमारी फिल्म पे बजती है, तो हमको पता है कि यार हमको अगली बार जब करेंगे तो ये सब तैयारी भी करनी है अभी कि यार वो लड़की लोग विसल लेके आएंगे, ये भी याद रखो, तो एक सीन ऐसा होना चाहिए उनके लिए। क्या बात है, क्या बात है, ये तो पहली बार देखा, डायरेक्टर रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाउ ऑडियंस इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। वैसे ही करते हैं हम लोग यार, और मतलब नथिंग रॉन्ग इन इट जी, अगर आप देखो तो हमारे फिल्मों में सेक्स सीन्स किसिंग ये वो बहुत मतलब होते ही नहीं है, बहुत रेयरली होते हैं, मतलब मैक्सिमम अगर मैं गया तो टिप टिप बरसा पानी इतने साल में हम लोगों ने किया है। उसका रीजनिंग भी है, मतलब जो बाकी डायरेक्टर्स बना रहे फिल्म में बिल्कुल मतलब मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कोई गलत नहीं है, सब अपनी कहानियां कहते हैं। मेरे को एक लेडी मिली थी कोई एयरपोर्ट पे या मॉल पे, मेरे को बोलती है कि यू नो दो इंसिडेंट, एक इंसिडेंट मेरे को वो एक लेडी और लेडीज ही आके बोलती है, मतलब मैं थैंक यू बोलने गया तुमको, तो ना मेरे को लगा कि कोई और समझ रही है मेरे को, तो मैं भी खड़ा हो गया, अभी लेडी है सामने, तो हाँ मैम, तो मेरे को बोलती है कि मेरी दो साल की बच्ची है, दो या तीन साल ऐसा कुछ, तो बोला उन्होंने मेरे को कि और ना मैं अकेले रहती हूँ घर पे, मतलब जो हस्बैंड चले जाते हैं, तो मैम हाउस वाइफ, तो मेरे को घर का कुछ काम रहता है, छोटा बच्चा है ना माँ कैसे संभालेगा ना, बच्चा तो कहीं भी घूमता है और माँ को घर का काम भी करना है, वैसा कई कई घरों में वैसा होता है, तो बोलती मैं चेन्नई एक्सप्रेस लगा देती हूँ, मेरा ना दो ढाई घंटा शॉर्ट हो जाता है, मैं अपना घर का काम कर लेता था। और वो उसने बोली इतना घस गया डीवीडी ना कि तभी डीवीडी का जमाना था, मैंने मंगाया फोर्थ डीवीडी को, बहुत टाइम के बाद मिली थी, बोली मेरी मैंने चौथी डीवीडी मंगाई है, मैंने मेरे पास है चिल्ली, मेरी बेटी ना वो देखती, वहां से मुझे आइडिया आया कि यार। और फिर एक लेडी ने मेरे को मिली, बोली यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट योर फिल्म्स, व्हेन आई एम वॉचिंग इट विद माय सन और मैं उठ के कहीं जाती हूँ तो आई डोंट नीड टू टेक द रिमोट। तो ये सब चीजें ना मेरे को सीखने की, मतलब बाकी जो डायरेक्टर्स कर रहे हैं जो फिल्म वाले सब अपनी कहानी बता रहे हैं, बट मेरे को मालूम है ये मेरी ऑडियंस है भाई, कि इनको इतना भरोसा है मेरे कि अपना बच्चा छोड़ के जा सकते हैं, तो वो सब सीख सीख के फिर हम लोग अपना आगे काम करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हो, आप मेरे को जेन्युइनली बताइएगा कि अजय देवगन पैर दो गाड़ियों में डिवाइड करके आएगा? नहीं, ये फूलोर काटे में वीरू जी ने किया था, हमने किया था फूलोर काटे में, हमारे जो गुरु हैं वीरू देवगन जी, अजय सर के डैड, अपने जमाने के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर, तो वो उनकी उन्होंने किया था फूलोर काटे में, और उस जमाने में सच बोलू तो मतलब अजय ने डायरेक्ट किया था, तभी सीजी नहीं था ना, तो मतलब अगर गिरे तो मतलब मुंह टूट जाए, और स्प्लिट करना करेक्ट टाइम पे बाइक का जाना, कितना रिहर्सल करके डेरिंग के साथ, तभी उसने किया था पूरा स्प्लिट करता है वो लेग, हाँ। वो कोई केबल नहीं कुछ नहीं उस जमाने में, डायरेक्ट शॉट जैसे, तो वो उधर का आइकॉनिक है कि ये किया था उन्होंने फॉलोअर काटे में, इसलिए हम लोग वो रिपीट करते हैं, तो वो आज भी वो चीज जिंदा है, हाँ। वो ये नहीं है कि अच्छा रोहित शेट्टी ने गोलमाल में दो बाइक पे लाया फिर दो गाड़ी पे लाया आप किस पे लाएगा, हाँ। वो नहीं है, जो 90s में जिस बच्चे ने फॉलोअर काटे देखा है या जिस बच्चे ने जो थोड़ा बड़ा हो गया जिसने गोलमाल देखा है, हाँ। उसको वो खुशी मिलती है, उसको वो रिकॉल वैल्यू मिलता है सीधा। Is there a story behind Ajay Devgan getting off and like entries पे आऊंगा मैं, क्योंकि मेरा fascination है वो। नहीं, वो भी पहले में किया हमने, हाँ, सिंगम में, करेक्ट, और फिर वो आइकॉनिक बन गया चीज, तो वो थॉट किधर से आया आपको, वो आपका आइडिया था? नहीं, मैं बताऊँ, उसका जो एक बेसिक हल्का सा ना एक कोई ब्रूस विलिस की पिक्चर, ब्रूस विलिस ही था, पता नहीं कौन था, हाँ। मेरा कन्फर्म मेरा पूरा मेरा आइडिया नहीं था, हाँ। वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने उधर से देखा, फिर थोड़ा बहुत अपना इंडियन मसाला डाला उस पे, करेक्ट, और फिर किया हमने। अभी मैं एक्शन नहीं करता हूँ ज्यादा, मतलब अभी, हाँ। हम लोग खुद ही अपना, अभी तो हमारी टीम बड़ी है सब कुछ है जी, जी। हम लोग अपना ट्राई करके 99.9% अभी 99 100% ओरिजिनल रखते,
क्योंकि अभी बच्चे लोग भी बहुत जानते हो गए वो ऐसा यूट्यूब पे ये इधर का ऐसा करते हैं, क्लिप टू क्लिप एडिट करके डालते हैं करते हैं। वैसे हम लोगों ने क्योंकि दिल वाले में हम लोगों ने एक एमआई का सीक्वेंस सेम कर दिया था तो फिर उधर से सीखता ही आदमी ना, सही बात, अभी नहीं करना चाहिए यार वैसा। ये हमारा हरे राम हरे कृष्णा जी, यहाँ से हम लोग बहुत खाना मंगाते थे, अंदर एक रेस्टोरेंट है देसी घी का खाना मिलता। अरे मैं भी आता था इधर, ये सब बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग कुछ नहीं था इधर, कुछ नहीं था, पूरा खुला, ऐसे इतना सिक्योरिटी भी नहीं होती, ऑब्वियसली जमाना बदल गया जी। हम ऐसे चलते चलते वॉक इन करते थे हरे राम हरे कृष्णा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोविंदा रेस्टोरेंट था, अंदर जो खिचड़ी मिलती है ना, खिचड़ी और ऐसा प्रॉपर देसी घी में खाना मिलता है जी जी जी, वेजिटेरियन गुड फूड। हाँ, यहाँ पे हमारा गणपति का पंडाल लगता था। अरे वाह, और ये स्टूडियो दीपेन का ऐसी है अभी भी अंदर बैठा शायद वो, ये अपना सेम सब कुछ वैसी है, चंदन आ गया है। हाँ, ये हम लोग का देवगन फिल्म्स, हम लोग ने पूरी जिंदगी 30 साल निकाले, 30 तो नहीं बोल सकते, 25 साल 26 साल निकाले लाइफ के, शीतल आज भी है, शीतल अपन देवगन फिल्म्स का बोर्ड आज भी है। हाँ, आज इन्हें आज भी ऑफिस रखा है, पिक्चर यहाँ देखते थे चंदन थिएटर में, अभी ये भी बंद हो गया। चंदन की कोई कहानियां? चंदन में बहुत पिक्चरें देखी हम लोगों ने, और वो कासम भाई करके थे ऊपर, वो बेस्ट एडिटर थे, क्या बात कर रहे हो, बता देते थे पहले ना सिंगल स्क्रीन में क्या होता था, एक एक एकाध रील गायब हो जाती थी तो क्या होता था रात को 12:15 बजे की तभी लास्ट लोकल होगी, सीधा जा सकते फिर राइट ले सकते। तो पिक्चर खत्म करना मांगते हैं। हाँ, तो एकाध रील गायब कर देते या दो सीन निकल देते थे, ऑडियंस को पता नहीं चलता था, फिर कोई गया तो देखता था, इसलिए जो प्रोजेक्शनिस्ट होते थे ना सिंगल स्क्रीन के, उनको बेस्ट एडिटर बोलते थे, उनको जजमेंट रहता था कि पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, और ये मतलब सीन उड़ा देने, हाँ कि मेरे को 12 बजे शो खत्म होना चाहिए, मेरी ट्रेन छूट जाएगी तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शनिस्ट वो करते थे। मेरे को ये बताओ मुंबई की भाषा के साथ कुछ आपका फैसिनेशन या कौन से शब्द आपके फेवरेट होंगे? चेंज होते रहते हैं, अभी तो बहुत सारे नए आ गए ना, मतलब अभी तो मतलब जैसे शूटर बोला ये उसका शूटर है, तो मतलब पहले जो मतलब ऐसा, फिर हाँ कैसा भाई, सही एकदम सही। हाँ सही, मुंबई लैंग्वेज ना बहुत, जैसे मुंबई लैंग्वेज का आई थिंक इन्वेंट इसलिए हुई होगी क्योंकि यहाँ पे सब दौड़ते रहते हैं ना, टाइम कम है, तो आई थिंक उस वजह से वो सारे वर्ड निकल आ गए सारे। अरे बहुत छाना बन रहे, तो उसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं, कि ये अपनी होशियारी दिखा रहा है, करेक्ट तो ए शाइनिंग मार, बहुत छाना बन रहा है, ये उसका शूटर है, एकदम बहुत राप चुके हैं सब। इंटरेस्टिंग। और मुंबई की कोई जगह अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेसेस, सूर्यवंशी का बड़ा सा आपका लगा हुआ है बिलबोर्ड लगा हुआ है मुंबई, वही है मतलब दहीसर से लेके चर्चगेट तक दिया है। पूरा फैशन स्ट्रीट हम लोग के लिए बहुत रीगल सिनेमा, मतलब आउटिंग होता था कि कोई इंग्लिश पिक्चर आई है तो मतलब तभी हर जगह नहीं लगती थी, अंबर ऑस्कर अंधेरी में था जो सॉपर स्टॉप बन गया है, उधर कभी कभी लगती थी, अंबर ऑस्कर माइनर तीन थिएटर होते थे, और फिर न्यू टॉकीज और बैंड्रा टॉकीज में से एक में लगती थी जो अभी सॉपर स्टॉप बन गया, जिसके ऊपर ग्लोबस है महबूब के पास, और आई थिंक ग्लोबस भी चेंज किया है, क्या है शॉपर स्टॉप तो है, और फिर अपना रीगल हीरो स्टर्लिंग, तो हम लोग का आउटिंग होता था कि भाई जाएंगे फैशन स्ट्रीट से कपड़े खरीदेंगे, सस्ते कपड़े और अच्छे कपड़े मिलते थे, यस कन्वेंस होने, और फिर एक रीगल में पिक्चर देख के फिर हाथ को वापस खाना वाना खा के, तो ये सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ, रमजान के टाइम पे रात को जाओ उधर भिंडी बाजार साइड, अभी तो क्या नहीं होता जाना वो खाना, फिर सरदार की पाव भाजी, अमूल बटर डालता था दादा के, ताड़देव के पास अभी भी डालते ना वो तो, हाँ वो फिक्स था अपना। हाँ, मिट्टी भाई के पास अपना वड़ा पाव और सैंडविच, करेक्ट, और एवन के समोसे अपने, एवन के तो समोसे हम लोग आज भी मंगाते हैं। हाँ, थिएटर से कभी होता थिएटर, वो अलग ही रहते समोसे, करेक्ट, वो वैरायटी अलग है, अरे अलग है, और एक अलग मुंबई का ना, मुंबई का एक अलग कल्चर है, मतलब सब ऐसा क्या बोलते हैं उसको अपना टपोरी लैंग्वेज, भबाटिंग दिखाते हैं मैं ये मैं वो, बट अंदर से ना सब ऐसा थोड़े से वो है यार, मतलब सीधे आपको आधी रात को भी कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए, वो ना मुंबई का है वैसा यार, चाहे कोई भी कुछ भी बोले कि मैं ये मैं वो, बोले भाई साहब जरा हेल्प, अरे घर पे छोड़ के जाएगा तो वो एक अपना एक साइन लैंग्वेज है, आप कितना भी स्पीड में जा रहे हो अगर कोई घुस गया तो आप भड़क जाओगे, तो क्या कर रहा था कोई दिख नहीं रहा है वो बोले जाते, लेकिन वही जा रहे हो, और अगर उसने ऐसा मुंडी हिला दी एक बार कि ऐसा ऐसा जाने देना मेरे को, तो आप उसका ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट दोगे, ले भाई ले तू जा, क्या याद रखेगा, मैं पीछे लेते थे लेकर। हाँ, तो मुंबई का एक अलग है चम। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया यार, है ना, और इतना मतलब रिलैक्स, कहीं जाना नहीं आना नहीं, और इतनी बातें हो गई, इतना नॉस्टैल्जिक हो गया सब, घर से घर तक, घर से घर तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर यू, थैंक यू, लवली हैविंग यू, एंड ऑल द बेस्ट।